मुंगेर के तारापुर में सरपंच पति के साथ मारपीट के मामले में हुई छापेमारी में गाजीपुर से 4 अभियुक्त को तारापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए तारापुर DSP पंकज कुमार के नेतृत्व में थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन SI अजितेंद्र कुमार PSI कुमारी खुशबू ने फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें गाजीपुर में हुई मारपीट और पत्थरबाजी में नामजद 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। वहीं इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन ने बताया कि गाजीपुर में सरपंच पति के साथ मारपीट करने के मामले में 4 नामजद अभियुक्त मोहम्मद अरशद, मोहम्मद रौनक, मोहम्मद जावेद एवं मोहम्मद गौस को गाजीपुर घर से गिरफ्तार किया गया है। सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में मुंगेर भेज दिया गया है। वहीं बाकी बचे हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही सभी अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वहीं साथ ही वांछित अपराधियों की भी गिरफ्तारी को लेकर तारापुर DSP के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें एक लूटकांड के नामजद अभियुक्त को मदारपुर गांव से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि अभियुक्त मो सन्नी उर्फ सनिया, जो मैजिक वाहन चालक से मारपीट कर रुपए लूटने के मामले में 2 वर्षों से फरार चल रहा था, जिसको गिरफ्तार किया गया है। वही इस संबंध में थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन ने बताया कि अभियुक्त कांड संख्या 98/19 में नामजद अभियुक्त था, जो फरार चल रहा था। इस कांड में एक अभियुक्त को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वही गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद सन्नी को न्यायिक हिरासत में मुंगेर भेज दिया गया है। कोरोना जांच रिपोर्ट कहाँ रखेगा ये तुम नाराज़ है? 7 तारीख को क्या है? मैं जाने के लिए कैसे आऊँगा? तो सोलह तारीख को ना? सोलह तारीख को